बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास में चैप्टर 3 वेक्टर सी इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन है आई क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के क्रॉस जे। ठीक है, तो ये आसान है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये आई है, ये जे है, ये के है, आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे के बराबर होगा, आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस आई के बराबर होगा और के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। इसका उल्टा माइनस होगा, मतलब जे आई क्रॉस जे के बराबर है तो जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे हमारे साथ बराबर है के का। ठीक है, और फिर क्रॉस के क्रॉस जे तो के क्रॉस जे। ठीक है, जे क्रॉस के हमारे साथ बराबर है आई का तो के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई का। ठीक है, अब तो माइनस आ गया, अब ये माइनस और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, जे के और के आई, तो के क्रॉस आई बराबर है जे का तो माइनस जे आ जाए। ठीक है, तो आंसर इसमें बी है, माइनस जे। ठीक है, नंबर टू है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड माइनस I प्लस जे एस। ठीक है, इसके दरमियान एंगल मालूम कर लें। तो एंगल ये हमने पहले भी डिस्कस किया, डॉट प्रोडक्ट से हम मालूम करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड टू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का मैं प्रोडक्ट मालूम करता हूँ, तो हम मुझे पता है कि I डॉट I से 1 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से आता है माइनस 2, और जे डॉट जे से 1 आता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से आता है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 से माइनस 1 आता है, और के साथ के नहीं है मतलब ये 0 आएगा। इस तरह आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई ये सब 0 होंगे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड हमारे साथ क्या है, 2 स्क्वायर से 4 आता है, माइनस 1 स्क्वायर से 1 आता है, और 1 स्क्वायर से 1 मतलब 4 प्लस 1 प्लस 6, इससे आता है ए का मैग्नीट्यूड से आता है अंडर द रूट 6, और बी से आता है माइनस 1 स्क्वायर से 1 आता है और 1 स्क्वायर से 1, तो इससे हमारे साथ 2 आता है which is equal to minus 3 divided by 6 to the 12. ये मैं लिख सकता हूँ minus 3 divided by 12 में लिख सकता हूँ 4 multiply by 3 which is equal to minus 3, और ये 4 under root से 2 आता है, under root 3 अंदर रहता है। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ minus, ये 3 में लिख सकता हूँ under root 3 multiply by under root 3, ये दोबारा 3 के बराबर है divided by 2 into under root 3, ये अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 के साथ कैंसिल, तो माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाय 3 क्या है, cos थीटा है, cos थीटा। ठीक है, तो cos हमें पता है पहले में r पॉजिटिव है, पहले में r पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साथ sin पॉजिटिव है, थर्ड में tangent और cotangent और आखिर में cos पॉजिटिव, तो अब माइनस आया है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉसिबल नहीं है, और फोर्थ में भी, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है। हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर द रूट 3 बाय 2, मतलब कॉस 60 जो हमारे साथ पाई बाय 3 है, जो पाई बाय 3 है, ये माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 के बराबर है लेकिन प्लस के बराबर है, तो कॉस 60 तो नहीं हो सकता। इस तरह यहाँ पे कॉस 90 प्लस 60 कॉस 150, कॉस 150, तो 150 हमारे साथ बराबर है 5 बाई 3 से क्या आता है 60 आता है, तो 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 6 हमारे साथ बराबर है तो 150 का। ठीक है, या ये वाला आएगा, ठीक है, 180 प्लस 6 240, तो 240 हमारे साथ बराबर है 5 डिवाइड बाई 3, तो हमारे साथ या 5 बाई 6 होगा या 5 डिवाइड बाई 3 होगा। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 6 मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मैं दोबारा आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, माइनस अंडर द रूट 3 अंडर 3 बाई 2 cos थीटा इसके बराबर है। अब इसके थीटा मालूम करना है, तो मुझे पता है कि cos 60 विच इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 ही अंडर द रूट 3 बाई 2 के बराबर है। इसी तरह cos
90 प्लस 6 इज 150 आता है, या ये बराबर है cos 5 डिवाइड बाय 6, ये अंडर द रूट 3/2 के बराबर, लेकिन ये माइनस है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस है, cos 240, तो cos 240 बराबर है cos 5 डिवाइड बाय 3। cos 5/3 60 आता है, 300 है, ठीक है, cos 180 प्लस 60 से 240 आता है, और 240 बराबर है cos 4/3, ठीक है, ये हमारे साथ बराबर है माइनस अंडर रूट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, ठीक है, और फोर्थ में पॉजिटिव इसकी जरूरत नहीं है, तो या ये आएगा या ये आएगा, ठीक है, तो हमारे साथ 5/6 आंसर मौजूद है, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया, ठीक है, मतलब cos 5/6 हमारे साथ इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस xj प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 3k और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब परपेंडिकुलर हो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, तो x मालूम कर लें, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो तो x की वैल्यू मालूम कर लें, तो इसका मतलब है कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मुझे पता है कि a और b का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो 3i माइनस एक्स जे, अब मैं डायरेक्ट ये करता हूं, i डॉट i 1 आता है, 3 4 12 और माइनस एक्स जे और प्लस 6j, तो माइनस 6x आ जाएगा और j डॉट माइनस 6x और j डॉट j 1 के बराबर है, और 2 3 6 k का यहाँ 3 है, यहाँ k के साथ 2 2 3 6 और k डॉट k 1 के बराबर है, तो 12 प्लस 6 18 आता है, माइनस 6 एक उस साइड पे 6x हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाय 6, ये 6x खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 3, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 है, a माइनस 2 3, b 1 4 हो, c 0 5 हो और d x y, b द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो x और y मालूम करें, ठीक है, तो यह भी मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, और ये ऑरिजिन है। अब पॉइंट ए है माइनस टू माइनस थ्री हमारे साथ थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये माइनस टू है और ये माइनस थ्री, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा ए माइनस टू माइनस थ्री, बी है 1 4, तो 1 4 हमारे साथ ये 1 है और ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा b 1 4, ये a हो गया, ठीक है। c क्या है, c है 0 5, तो 0 और 5 ये है, ये c 0 5, ठीक है, और d हमारे पास यहाँ भी अननोन है, ठीक है, d x y, डायगोनल में ड्रा करता हूँ, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते, तो ये मिड पॉइंट, इसको मैं ई का नाम देता हूँ, ये ई नहीं मालूम करता, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूले से। अब ए बी मुझे मालूम है माइनस टू माइनस थ्री है और सी में मालूम, तो ए और सी की मदद से मैं मिड पॉइंट ई मालूम कर सकता हूँ, तो ई मिड पॉइंट फार्मूला मुझे पता है, इसको मैं एक्स वन वाई वन कहता हूँ इज इक्वल टू, या एक्स थ्री वाई थ्री कहते, ठीक है, एक्स वन मेट ए मेट पॉइंट फार्मूला है, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, तो अब ये ई पॉइंट नहीं मालूम कर सकता हूँ, एक्स वन मेरे साथ माइनस टू है, एक्स टू जीरो है, तो माइनस टू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू और माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, तो ये हमारे साथ माइनस टू बाई टू से माइनस वन आता है और फाइव माइनस थ्री से टू, टू बाई टू से वन आता है, तो ये पॉइंट मालूम हो गया। अब इस ए बी डी की मदद से मैं ये डी मालूम करता हूँ, मेट पॉइंट फार्मूला, अब ये मेट पॉइंट ई एक्स थ्री वाई थ्री, ये मुझे पता है एक्स वन, ये फार्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू
और वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई। अब ये मेड मुझे मालूम है, यहाँ पे मैंने मालूम किया माइनस वन वन है और यहाँ पे एक्स वन हमारे साथ एक्स है जो हम मुझे मालूम नहीं है और बी ये एक्स टू हमारे साथ वन है, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू और वाई प्लस फोर डिवाइड बाई टू, वाई प्लस फोर डिवाइड बाई टू। अब आसान है, ये पहला इसके बराबर होगा और ये दूसरा इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको कंपेयर कर लें, एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन और वाई प्लस फोर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू से माइनस टू आता है और यहाँ पे वाई प्लस फोर से टू वन जर टू आता है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस वन उस साइड पे माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन माइनस टू से आता है माइनस थ्री और वाई इज इक्वल टू टू माइनस फोर से आता है माइनस दो माइनस टू, तो हमारे साथ पॉइंट एक्स वाई आ जाएगा माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर बी माइनस थ्री माइनस टू इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर आर, हमारे साथ एक वेक्टर आर है, एफ इट्स टर्मिनल पॉइंट इज फोर जीरो माइनस वन, ठीक है। तो इसका ए बी सी डी में इसका इनिशियल पॉइंट मालूम करने, टर्मिनल पॉइंट हमें मालूम है। मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है इसका मोमेंट आर्म आर हमें मालूम है, आर हमें मालूम है माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के, माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के। टर्मिनल पॉइंट मतलब ये पॉइंट मुझे मालूम है क्या है, फोर जीरो माइनस वन। तो ये पॉइंट एक्स वाई जेड ये पॉइंट मालूम कर ले, मुझे पता है कि आर इन दोनों का डिफरेंस ही मालूम करते हैं, ठीक है। तो माइनस टू आई प्लस जे प्लस टू के ये बराबर है इन दोनों के डिफरेंस का, मतलब फोर माइनस एक्स का जीरो माइनस वाई का अपर माइनस वन माइनस जेड का, माइनस वन माइनस जेड मतलब कि फोर माइनस एक्स हमारे साथ बराबर है इसके साथ आई जे के है, ठीक है। फोर माइनस एक्स बराबर है माइनस टू का, इस तरह जीरो माइनस वाई मतलब माइनस वाई बराबर है जे का, माइनस वन माइनस जेड बराबर है टू का। तो फोर इज इक्वल टू फोर और माइनस टू इस साइड पे प्लस टू हो जाएगा और माइनस एक्स उस साइड पे एक्स हो जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स आ गया, वो माइनस वाई जे के बराबर है तो वाई बराबर है माइनस जे का, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस वाई। यहाँ पे माइनस जेड उस साइड पे प्लस जेड हो जाएगा और टू इस साइड पे माइनस, तो माइनस टू इज इक्वल टू प्लस जेड या जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो सिक्स माइनस वन, ठीक है, सिक्स माइनस वन ये माइनस वाई इज इक्वल टू वन, सिक्स माइनस वन और माइनस थ्री, सिक्स माइनस वन और माइनस थ्री, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर सिक्स है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ए, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर ऑन ए वेक्टर बी, ठीक है। तो ये बी है, ए है, तो ए का ये ए है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे, अब ये इसके दो प्रोजेक्शन है, एक ए साइन थीटा है और ए का थीटा है, तो का ए का सिर्फ बी के ऊपर है मतलब एलॉन्ग बी है, तो हमारे साथ असल में ये ए का थीटा है, तो यहाँ पे ए का थीटा किस तरह मालूम करेंगे, ए कॉस थीटा, तो हमें पता है ए मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा मुझे पता है कि वो कॉस थीटा बराबर है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, तो ये ए मैग्नीट्यूड के साथ खत्म हो जाएगा और ये हमारे साथ आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नंबर सेवन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए नट इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू, तो जब जब ये ए प्लस बी ए माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर, मतलब ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए माइनस बी, ठीक है,
ए माइनस बी ये जीरो के बराबर होगा। तो ये तब जीरो होगा अगर ए और बी बराबर हो। अब फर्ज करें ए बी फोर हो, फोर आई है जो भी हो, और ये माइनस और ये भी फोर आई हो, मतलब अगर ये ए और बी बराबर हो, अगर ए और बी बराबर हो ठीक है, तो हमारे साथ ये जीरो आ जाएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी थिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि इन दोनों अगर इन दोनों अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारे साथ तब होगा अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो दरमियान में माइनस है तो फोर आई माइनस फोर आई, या फोर आई प्लस थ्री जे, और ये माइनस फोर आई माइनस थ्री जे, तो इसका मतलब इस यहाँ से जीरो आना चाहिए। तो जीरो तब आएगा जब ए और बी बराबर हो, ठीक है। नंबर एट है ए क्रॉस बी, तो एक आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ये एंटी कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ठीक है। नंबर नाइन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इफ थीटा इज इक्वल, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारे साथ बराबर है ए बी साइन थीटा का, इसका मैग्नीट्यूड, और ये ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा का, तो ए बी के साथ बोथ साइड डिवाइड बाई ए बी खत्म हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोथ साइड डिवाइड बाई कॉस थीटा, और यहाँ कॉस बाई कॉस से वन आएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन, या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट वन, तो टेंजेंट 45 ये हमारे साथ वन के बराबर है, मतलब थीटा हमारे साथ आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सी नंबर करेक्ट है। ज्योमेट्रिकली एक क्रॉस बी रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, मतलब अगर ए और बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हो तो हमारे साथ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ पैरेललोग्राम का एरिया होगा, ठीक है। नंबर 11 है एफ जी टी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी प्लस वन होल स्क्वायर जे प्लस टी माइनस वन के, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टी, और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टी नट इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसलिए करेक्ट है टी नट इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी पावर माइनस वन इसमें है, तो टी पावर माइनस वन हमारे साथ आता है वन ओवर टी, तो अगर टी जीरो के बराबर आ जाए तो हमारे साथ ये अनडिफाइंड आता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ऑल रियल नंबर हम टी के पुट कर सकते हैं, सिर्फ टी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 12 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो और नॉन जीरो वेक्टर हो, तो इसका मतलब एंगल ए डॉट बी अगर जीरो हो, इसका मतलब ये है कि या ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या इनके दरमियान एंगल 90 होंगे, ठीक है। तो नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि एंगल 90 है, तो जब एंगल 90 है तो ए क्रॉस बी हमें पता है कि ये बराबर है ए बी साइन थीटा का, और साइन 90 है, तो साइन 90 मुझे पता है 1 के बराबर है, तो इसका ए बी आ जाएगा, तो ए बी हमारे साथ ये है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। आप लोगों को कोई मसला हो तो कोई MCQs मुश्किल हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।